इसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, क्योंकि जो लाइट प्रोड्यूस करने वाला ऑब्जेक्ट है उससे ये लाइट आ रही है और ये यहाँ पे मिरर पे आके टकराती है और ये फिर रिफ्लेक्ट करके जा रही है। देखिए यहाँ पे ये लाइट यहाँ से आई और फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, मतलब वापस आ रही है। ठीक, और देखिए इसी में हमारे कई सारे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन भी बन जाते हैं, वो भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे, पर पहले इसको देखिए। अब अगर क्या होगा कि हम लोग इस इंसिडेंट रे, ये जो हम लोगों की यहाँ से आ रही है रे, ये वाली, इसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, इसे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो अगर इन दोनों को मैच कर दिया जाए तो क्या होगा, ये देखिए दोनों सेम लाइन पे आ गई है दोनों लाइट हमारी, तो ये एकदम एक सीधी लाइन बन गई, मतलब बार बार आपस में ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और एक बात और आपको बता दें कि जो इसके बीच में एंगल बन रहा है, देख रहे हैं ना, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे के और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल, उसका अगर हम लोग हाफ कर दें, इसके बीच से एकदम एक लाइन निकाल दें, तो उस लाइन को हम लोग कहेंगे नॉर्मल। ठीक, अब नॉर्मल आपको दिखाते हैं कहाँ है, ये देखिए ये जो बीच की लाइन थी इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल, एकदम सीधी लाइन। ठीक, और यहीं पर अगर ये नॉर्मल यहाँ पे आ जाएगी, तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट जिसमें ये रिफ्लेक्ट करती है रे। अब देखिए ये मिरर पे था तो इस पर आपको आसानी से दिख गया, पर हमारे सराउंडिंग में भी ऐसे बहुत रिफ्लेक्शन होते हैं। तो चलिए यही था एक्सपेरिमेंट हमारा, आपको दिखा दिया, अब आगे बढ़ते हैं, हमारी बुक में जो दिया गया है उसे पढ़ते हैं।